ये सोशल साइट्स के नाम पे इंसान को डिसोशलाइज किया जा रहा है। आज एक इंसान के फेसबुक पे 1000 फ्रेंड है और देखा जाता है जब वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको देखने के लिए एक भी आदमी नहीं, तो वो सोशल है कि अनसोशल हो गया। लोगों को ऐसा लगता है कि इससे क्या हो रहा है, माशरे में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई अजाब भी नहीं आ रहा है, ना उनको कोई पकड़ हो रही है, तो हम करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। बदकिस्मती से हमारे असलाफ में बाद लोगों ने एक वक्त ये लिख दिया था कि अगर औरतों को पढ़ाया जाएगा तो इश्किया खतूत लिखेगी। इसने उन पर अदम एतमाद औरतों की तरफ हमने बता दिया। हमारा सलूक और रवैया आज भी खवातीन के साथ क्या है आप जानते हो, जस्टिस पर मबनी नहीं है लड़के के मुकाबले में। अब कंटेंट देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सब पूरी दुनिया में यही कंटेंट है फहाशी का। एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि किसी भी तरीके से इंसान को उसकी फितरत से हटा दिया जाए। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम इस मामले में गौर करें कि कैसे हम इसको दे सकते हैं। महज मना करने से हम इसको नहीं रोक सकते, कुछ मुतबादिल आर्ट फॉर्म में बहुत सारी चीजें हमको पेश करने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा फिक्शन और आर्ट असर करता है इंसान पे, सिर्फ स्पीच और तकरीर नहीं करती। तो जो लोग इस्लामिक सोच वाले हैं उनको इस मैदान में आना पड़ेगा। शेख सादी अपनी किताब में फरमाते हैं गुलिस्तां के अंदर, सोहबत है सालेह तुरा सालेह कुनत, अच्छों की सोहबत में रहोगे तो अच्छे बनोगे, सोहबत है तालेह तुरा तालेह कुनत, जब बुरों की सोहबत में रहोगे तो बुरे बनोगे। फैमिली के जब डिस्प्यूट होता है या झगड़ा होता है तो लोग ये चाहते हैं कि हम किसी से हेल्प नहीं ले। हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि आप आपके मसाइल को खुद हल करें। आप बीमार होते तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी बोलते नहीं मैं खुद हल करूंगा। उसी तरह अगर आपके फैमिली में प्रॉब्लम चल रहे हैं, ऑलवेज टेक हेल्प, हेल्प एप्रोप्रिएट पीपल से लो। हमें औरतों के दायरे अमलन मॉडल के तौर पर पेश करने होंगे। जैसे बास दायरे आप देखिए मेडिकल में, बास एजुकेशन की फील्ड है, तो ये दायरों में औरतें जाएं और वहां अपना वो रोल अदा करें, तब आप उस फेमिनिज्म का क्या कर सकते हो, मुकाबला कर सकते हो। सिर्फ थ्योरी से आप वो बात को नहीं आगे ले जा सकते।